नेक्स्ट है पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल लाइन का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आएगा, इसकी थ्योरी भी आ सकती है। ठीक, तो इसमें आपको क्या गिवन है कि सपोज करो एक डायपोल पड़ा हुआ है, ये डायपोल है माइनस और प्लस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यही रेस्ट करना पसंद करता है, रेस्ट कर रहा है। आप गए, आपने इसको उल्टा घुमा दिया, देखो घूमना नहीं चाहता था, आप उसके नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो, लेटना चाहता था, आपने उसको घुमा दिया। जब आप घुमाएंगे और छोड़ेंगे वापस टॉर्क जनरेट होगा और ये वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब आपको घुमाने में क्या करना पड़ा, वर्क डन। तो जो वर्क डन आपने इस पर किया और छोड़ दिया वो स्टोर हो गया इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसे वर्क डन निकाल दूं वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन के लिए इसमें ऐसे करते हैं, मान लो व्हेन डायपोल इज लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, पी साइन थीटा। वर्क डन की वैल्यू वैसे एफ डी एक्स होती है, रोटेशनल मोशन में एफ की जगह टॉर्क होता है, डी एक्स की जगह डी थीटा होता है, तो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा। तो मान लें आपने सपोज करो आपके डायपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पी वेक्टर ने ई वेक्टर के साथ इनिशियल एंगल बनाया था थीटा वन, फिर रोटेट करके नया एंगल क्या बन गया, थीटा टू। तो ऐसे केस में लिमिट क्या लगेगी, थीटा वन से थीटा टू, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, थीटा वन से थीटा टू माइनस बाहर आ गया, एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट, माइनस साइन अंदर चला गया, तो पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आंसर। नोट करें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल इज पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इसे नोट करें प्लीज। एक स्पेशल केस है, अगर मान लो इनिशियल एंगल डायपोल का 90 था, 90 समझते हो, 90 का मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डायपोल है, ये देखो, सच दैट डायपोल पी वेक्टर कहाँ पर है, ऊपर है, तो पी वेक्टर ई वेक्टर में एंगल क्या है, 90, और आपने इसको रोटेट करके कितना कर दिया, थीटा, तो देखो 90 से थीटा, तो आप थीटा वन की जगह 90, थीटा टू की जगह थीटा। स्पेशल केस है, हर बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर ऐसा आए 90 टू थीटा कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म आ जाएगी, और पी इज अ वेक्टर, ई इज अ वेक्टर, तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये स्पेशल केस है जिसमें ये फॉर्मूला लग सकता है। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, न्यूमेरिकल में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स गिवन होते हैं, तो नॉर्मली यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज होता है, दोनों एंगल्स पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं अब, कैसे क्वेश्चंस हैं।